आई एम राजेंद्र कुमार, इंस्ट्रक्टर टेलीकॉम, एसटीटीसी गाजियाबाद। इस वीडियो में हम आपको डाटा कम्युनिकेशन के बारे में कुछ बेसिक जानकारी देंगे। जब हम आपस में बात करते हैं तब वास्तव में हम सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहे होते हैं। यह आदान प्रदान लोकल या रिमोट भी हो सकता है। दो या अधिक व्यक्तियों के बीच यह आदान प्रदान लोकल हो सकता है, किंतु रिमोट से यह आदान प्रदान किसी माध्यम के द्वारा ही संभव है। दूरसंचार, यह शब्द टेलीफोनी, टेलीग्राफी और टेलीविज़न जैसे टेक्नोलॉजी को समाहित करता है। टेली शब्द का अर्थ है दूर तथा दूरसंचार का अर्थ है दूर से किसी माध्यम के द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान। डाटा शब्द का अर्थ है वास्तविकता, सिद्धांत तथा सूचनाओं को किसी प्रकार के चिन्हों द्वारा निर्देशित करना। कंप्यूटरीकृत सूचना प्रणाली में डाटा को बाइनरी रूप में प्रदर्शित किया जाता है। डाटा कम्युनिकेशन में दो डिवाइसों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान 0 तथा 1 के रूप में किसी माध्यम जैसे केबल, माइक्रोवेव, वेबसी केबल इत्यादि के द्वारा किया जाता है। यदि डिवाइसेस एक ही इमारत में स्थित हैं तब यह लोकल कम्युनिकेशन कहलाता है, और यदि डिवाइसेस काफ़ी दूर पर स्थित हैं तब यह रिमोट कम्युनिकेशन कहलाता है। डाटा कम्युनिकेशन हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है। डाटा कम्युनिकेशन की क्षमता 3 आधारभूत लक्षणों पर निर्भर करती है। ये 3 आधारभूत लक्षण हैं। नंबर 1, डिलीवरी का मतलब है सिस्टम आपका ऐसा होना चाहिए कि जिसमें सूचना सही स्थान पर पहुँचे, आपकी सूचना गलत स्थान पर नहीं जानी चाहिए। अगर मैं डाटा कम्युनिकेशन की बात करूँ तो अगर सिंपल भाषा में कहा जाए तो दो कंप्यूटर के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वह डाटा कम्युनिकेशन कहलाता है। और जैसे आपका एक इंटरनेट है, इंटरनेट में लाखों करोड़ों कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये क्या बन जाता है, एक डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क बन जाता है। तो डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क में पहली जो रिक्वायरमेंट है वो क्या होना चाहिए, जो इसमें सामने लिखा है डिलीवरी, कि लाखों करोड़ कंप्यूटर हैं तो जो इस नेटवर्क में आपकी सूचना वहीं पहुंचनी चाहिए जहां आप उसको भेजना चाहते हैं। आपकी इन्फॉर्मेशन किसी दूसरे गलत जगह नहीं जानी चाहिए जहां आप भेजना नहीं चाहते हैं। दूसरा है एक्यूरेसी, सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि जो आपकी इन्फॉर्मेशन पहुँचे, पहली बात तो क्या कि सही जगह पर पहुँचनी चाहिए, दूसरा क्या है कि वो बिना किसी एरर के पहुँचनी चाहिए, यानी सिस्टम में ऐसी क्षमता होनी चाहिए कि बिना किसी एरर के सूचना सही जगह पे पहुंच जाए। तीसरा है आपका टाइमलीनेस, यानी कि आपकी सूचना सही जगह पे पहुंचनी चाहिए, ठीक ठाक पहुंचनी चाहिए। और तीसरा आपका टाइम से पहुंचनी चाहिए, अगर सूचना टाइम से नहीं पहुंचती तब भी उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम के घटकों की बात करें तो डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम में मुख्यतः 5 घटकों से मिलकर बना होता है। यह निम्न प्रकार है। नंबर 1, ट्रांसमीटर, सिंपल बात है, एक ट्रांसमीटर होगा, एक रिसीवर होगा, दोनों के बीच में एक माध्यम होगा। इसके अलावा क्या होगा, संदेश होगा, इन्फॉर्मेशन होता है जो आप एक जगह से दूसरी जगह भेजना चाहते हो। और लास्ट है आपका प्रोटोकॉल। तो जैसे कि डायग्राम में देख रहे हैं, ये ट्रांसमीटर है, ये रिसीवर, प्रोटोकॉल, माध्यम एंड सूचना। संदेश क्या है, संदेश ही वह डाटा है जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरित कराना है। यह संदेश टेक्स्ट, संख्या, तस्वीर, ध्वनि, चलचित्र या इसका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। ट्रांसमीटर वह डिवाइस है जिसके द्वारा संदेश को भेजा जाता है। यह एक कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, टेलीफोन सेट, वीडियो कैमरा इत्यादि हो सकते हैं। रिसीवर वह डिवाइस है जिसके द्वारा संदेश को प्राप्त किया जाता है। यह कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, टेलीफोन सेट इत्यादि हो सकते हैं। माध्यम वह फिजिकल पार्ट जिसके द्वारा संदेश को भेजा जाता है, माध्यम कहलाता है।
एयर ट्विस्टेड तार का पेयर, कैक्सियल ऑप्टिक कैक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर या रेडियो तरंग हो सकता है। अगर हम प्रोटोकॉल की बात करते हैं, प्रोटोकॉल का मतलब है सेट ऑफ रूल्स। तो डाटा कम्युनिकेशन के लिए आवश्यक नियमों के सेट को हम कहते हैं प्रोटोकॉल कहते हैं। यह दो मशीनों के मध्य एक आपसी समझौता होता है जिसके द्वारा डाटा कम्युनिकेशन अनुशासित होता है। यह नेटवर्क प्रोटोकॉल विभिन्न नेटवर्क डिवाइसों के बीच कम्युनिकेशन के लिए नियमों की एक भाषा है। जैसे आईपी, आईपी का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल, या टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, एफटीपी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये सभी क्या आपके प्रोटोकॉल हैं, सेट ऑफ रूल्स जिसके आधार पर सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। अब हम बात करते हैं ओएसआई मॉडल। ओएसआई का पूरा नाम है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। यह मॉडल एक लेयर्ड मॉडल किसी नेटवर्क के आर्किटेक्चर को समझने और डिजाइन करने का एक मॉडल है। यह नेटवर्क कम्युनिकेशन के सभी पहलुओं को कवर करने के लिए एक ISO स्टैंडर्ड है। इस मॉडल में 7 लेयर होती हैं तथा प्रत्येक लेयर के अपने कार्य होते हैं जो कि सूचनाओं को डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए आवश्यक होते हैं। यह लेयर क्रमानुसार निम्नलिखित हैं। उससे पहले हम ये बता दें कि डाटा कम्युनिकेशन में सूचनाएं जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचती हैं तो इस दौरान कई प्रकार की प्रोसेसिंग होती है। तो ये कई प्रकार के जो प्रोसेसिंग होती है उनको एक समान फंक्शंस के आधार पर अलग अलग लेयर में हम डिवाइड कर देते हैं। इन्हीं लेयर को हम क्या कहते हैं, ऐसे कि 7 लेयर्स कहते हैं। और ये लेयर्स हैं आपकी फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। लेयर की संरचना की बात करें तो ऐसे कि 7 लेयर्स को हम 3 सब ग्रुपों में बांट सकते हैं। लेयर संख्या 1, 2 तथा 3, जो नेटवर्क लेयर नंबर 1 को चाहते हैं फिजिकल लेयर, नेटवर्क लेयर नंबर 2 डाटा लिंक लेयर, 1 नेटवर्क लेयर नंबर 3 नेटवर्क लेयर, दोनों ही नेटवर्क सपोर्ट लेयर हैं क्योंकि यह डाटा को एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक पहुंचाने वाले पैरामीटर को कंट्रोल करती है, जैसे इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स, फिजिकल कनेक्शंस। इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स मतलब कि आपकी जो तो सिग्नल जाएगा उसका वोल्टेज का लेवल क्या होगा, उसकी कोडिंग क्या होगी। फिजिकल कनेक्शन मतलब आपके जो कनेक्टर्स होंगे वो किस टाइप के कनेक्टर्स हम इस्तेमाल करेंगे। फिजिकल एड्रेस तथा टाइमिंग व रिलायबिलिटी इत्यादि। लेयर नंबर 5, 6 व 7 सेशन प्रेजेंटेशन व एप्लीकेशन लेयर सॉफ्टवेयर के बीच में इंटर ऑपरेटिबिलिटी प्रदान करती है। लेयर संख्या 4 ऊपर बताए गए 2 सब ग्रुपों के बीच में एक सेतु का काम करती है, इंटरफेस का काम करती है तथा यह सुनिश्चित करती है कि जो डाटा लोअर लेयर्स के द्वारा ट्रांस किया जा रहा है वह अपर लेयर्स के अनुरूप ही है। अपर लेयर्स पूरी तरह से सॉफ्टवेयर पर आधारित है जबकि लोअर लेयर्स सॉफ्टवेयर व हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन होता है, परंतु फिजिकल लेयर मूलभूत रूप से हार्डवेयर पर आधारित होती हैं। जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि पूरा आ जाए। देखिए, ये एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। तो डाटा एप्लीकेशन लेयर से चलता हुआ, प्रेजेंटेशन लेयर से चलता हुआ पूरी प्रोसेसिंग होती है। इसके बाद ये डाटा फिजिकल लेयर्स द्वारा आपका दूसरे एंड पे ट्रांसमिट हो जाता है और दूसरे एंड पे फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर से होता हुआ एप्लीकेशन लेयर तक पहुंच जाती है और आपकी इन्फॉर्मेशन एक जगह से इस प्रकार से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है। और हम इसका साइज बड़ा कर लेते हैं फिर से ताकि आपको देखने में आसानी हो।
एप्लीकेशन लेयर के बारे में बात करें तो यूज़र द्वारा पहचानने वाले फॉर्मेट में डाटा प्रदर्शित करता है एप्लीकेशन लेयर, फॉर एग्जांपल टेलनेट, एफटीपी, एमएसवाइस, वेब ब्राउज़र, ये सब एप्लीकेशन लेयर के पार्ट है। प्रेजेंटेशन लेयर डाटा का लोकल मशीन के फॉर्मेट में ट्रांसलेशन प्रदर्शित करता है। सेशन लेयर एप्लीकेशन के अनुसार एक या अधिक कनेक्शन का मैनेजमेंट प्रदर्शित करता है। ट्रांसपोर्ट लेयर एरर और लॉस्ट डाटा का पता लगाना, लॉस्ट डाटा को रिकवर करना, डाटा का रिट्रांसमिशन मैनेज करना, प्रोटोकॉल ऑपरेट करना और डाटा स्ट्रीम का प्रोटोकॉल डाटा यूनिट के रूप में रिसंबद्ध तथा विभाजन करने का काम करता है, जैसे TCP, UDP। नेटवर्क लेयर होस्ट के बीच कनेक्टिव और रूटिंग का काम नेटवर्क लेयर में किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल IP, IC, MP, IGMP। डाटा लिंक लेयर पैकेट्स को फ्रेम में विभाजन और बिट ऑर्डर्स प्रदर्शित करता है, फॉर एग्जाम्पल नेटवर्क इंटरफेस एडाप्टर। फिजिकल लेयर नेटवर्क डिवाइसेस के बीच फिजिकल कनेक्टिविटी प्रदर्शन करता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, तो जैसे अगर हम डाटा कनेक्शन नेटवर्क की बात करें तो इसमें प्रत्येक नोड का या प्रत्येक कंप्यूटर का एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है और एक नेट, जैसे लिखा हुआ है, एक नेटवर्क में डाटा की सही डिलीवरी के लिए प्रत्येक नोड को एक आईपी एड्रेस दिया जाता है। आईपी एड्रेस की किस लिए ज़रूरत पड़ती है, ताकि आपकी इन्फॉर्मेशन सही जगह पे पहुंच पाए। अगर आईपी एड्रेस अगर यूनिक नहीं होगा तो आपकी इन्फॉर्मेशन एक प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं जा पाएगी, प्रॉपर जगह नहीं पहुँच पाएगी। और जो ये आईपी एड्रेस होता है, इसमें एक दोनों चीज़ होता है, एक नेटवर्क एड्रेस होता है और एक आपका होस्ट एड्रेस, यानी एक नेटवर्क जो आपका है उस नेटवर्क में जो होस्ट है उसका एड्रेस, यानी दोनों का एड्रेस होता है, नेटवर्क का एड्रेस भी होता है और होस्ट का एड्रेस भी इसके अंदर होता है। आईपी एड्रेस के आजकल दो वर्जन है, आईपी एड्रेस वर्जन 4 और आईपी एड्रेस वर्जन 6। जो आईपी एड्रेस वर्जन 4 है ये 32 बिट से मिलकर बना होता है और इन जो 32 बिट्स हैं इसको हम चार भागों में डिवाइड कर देते हैं, जिसे हम जो चार भाग हैं उनको ऑक्टेट कहते हैं, फर्स्ट ऑक्टेट, सेकंड ऑक्टेट, थर्ड एंड फोर्थ ऑक्टेट, और प्रत्येक ऑक्टेट को हम एक डॉट से, डॉट के चिन्ह से अलग कर देते हैं और प्रत्येक ऑक्टेट को एक डेसिमल नंबर में व्यक्त किया जाता है, जैसे 10.3.2.55। आईपी एड्रेस के बारे में अगली स्लाइड में हम विस्तार से आपको जानकारी देंगे। अगर हम कंप्यूटर नेटवर्किंग की बात करते हैं तो कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या है, सिंपली जब दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर को हम इस प्रकार से जोड़ते हैं कि वो आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकें और अपने रिसोर्सेज या के लिए संसाधनों को आपस में शेयर कर सकें, तो क्या कहलाता है, कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। अगर देखा जाए तो कंप्यूटर नेटवर्क की जो शुरुआत हुई वो जो ये बाद में जो शब्द लिखा ना, अपने रिसोर्सेज को या संसाधनों को शेयर कर सके, इसके लिए हुई, ताकि रिसोर्सेज को, पहले क्या होता था, जैसे मान लेते हैं 5 कंप्यूटर आपके पास और वो आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं है, आपस में जुड़े नहीं हुए, तो क्या होगा, 5 कंप्यूटर्स के लिए आपको 5 सॉफ्टवेयर खरीदने पड़ेंगे, 5 कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो वो खरीदना पड़ेगा, अगर आप प्रिंटर लगाना चाहते हो तो 5 प्रिंटर खरीदने पड़ेंगे, तो इससे क्या होगा कि आपका, और इसके कंपेरिजन में अगर हम इनको एक नेटवर्क बना दें, आपस में कनेक्ट कर दें, तो जो हम ये अलग अलग सॉफ्टवेयर खरीद रहे हैं या अलग अलग प्रिंटर खरीद रहे हैं, तो हम जो फॉर एग्जांपल जैसे हम एक ही प्रिंटर खरीद लें और उसको नेटवर्क में शेयरिंग मोड में डाल दें, तो इस नेटवर्क से जुड़े हुए जितने भी कंप्यूटर हैं वो उसको आपस में शेयर कर सकते हैं। इससे क्या होगा, सिंपली पैसा बचेगा, सब पैसे का गेम है। टोपोलॉजी, हम बात करते हैं टोपोलॉजी। उपकरणों को
आवश्यकता अनुसार आपस में जोड़ने की अनेक विधियाँ हैं। जब हम एक नेटवर्क में जो कंप्यूटर को हम आपस में एक दूसरे से जोड़ते हैं, इसके लिए जो जोड़ने का जो तरीका है वो क्या कहलाता है आपका, टोपोलॉजी कहलाता है। और टोपोलॉजी के कारण क्या है, डाटा का संचार पॉइंट टू पॉइंट हो सकता है या अनेक दिशाओं में हो सकता है, पॉइंट टू पॉइंट या पॉइंट टू मल्टी पॉइंट हो सकता है। इन विधियों को टोपोलॉजी कहते हैं। और यह क्या है, निम्न प्रकार के होते हैं। जो बेसिक टोपोलॉजी है वो क्या क्या है, नंबर एक बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, एक केबल होती है, नॉर्मली जो केबल होती है कोएक्सियल केबल होती है, और सभी कंप्यूटर इससे कनेक्टेड होते हैं। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि इसमें जो केबल्स की जो रिक्वायरमेंट है वो सबसे कम होती है। लेकिन इसमें समस्या ये है कि अगर मान लेते हैं कि कहीं से भी केबल ब्रेक हो जाए तो पूरा का पूरा नेटवर्क फेल हो जाता है। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसको। इस प्रकार की विधि में कंप्यूटर द्वारा सभी कंप्यूटर को आपस में जोड़ा जाता है। यह टोपोलॉजी सरल एवं सस्ती होती है। इस टोपोलॉजी में सबसे कम केबल की आवश्यकता होती है। इस विधि में फॉल्ट का पता करना कठिन होता है और कहीं अगर ब्रेक आ जाए केबल में तो पूरा नेटवर्क आपका फेल हो जाता है। दूसरी टोपोलॉजी है, उससे पहले हम आपको बता दें कि आजकल बस टोपोलॉजी का इस्तेमाल बहुत ही कम होता है। और रेलवे में तो हमने तो आज तक कभी देखा नहीं कि बस टोपोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। तो दूसरी जो टोपोलॉजी है वह आपका स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, सेंटर में एक डिवाइस होती है जिसे हब या स्विच कहते हैं। नॉर्मली आजकल हब स्विच का इस्तेमाल होता है और इस स्विच से सारे कंप्यूटर आपस में एक डेडिकेटेड लिंक के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि अगर कोई मान लेता है कि कंप्यूटर खराब हो जाए, पर्टिकुलर कंप्यूटर खराब हो जाए, उससे जुड़ी केबल खराब हो जाए या उस पर्टिकुलर पोर्ट खराब हो जाए जिससे ये कंप्यूटर जुड़ा हो, तो केवल वही इस नेटवर्क से कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा, बाकी नेटवर्क इसका पूरा पूरा चलता रहेगा। इसके अलावा ये मान के चलिए लोकल एरिया नेटवर्क में 95% जो टोपोलॉजी है वो स्टार टोपोलॉजी का ही हम प्रयोग करते हैं। थोड़ा सा इसके पढ़ लेते हैं। इस विधि में प्रत्येक डिवाइस एक सेंट्रल कंट्रोलर से सीधी जुड़ी होती है जिसे हम अथवा स्विच कहते हैं। लिंक फेल होने पर मात्र उस लिंक से जुड़ा पीसी ही प्रभावित होता है। इसमें इंटर कम्युनिकेशन सेंट्रल कंट्रोलर के माध्यम से ही किया जा सकता है। अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम यह है कि अगर सेंट्रल कंट्रोलर ही अगर खराब हो जाता है तो पूरा का पूरा नेटवर्क आपका बंद हो जाएगा। लेकिन इसमें यह है कि अगर मान लेते हैं कि अगर आपके पास स्विच स्पेयर में रखा हुआ है तो अगर मान लेते हैं स्विच ख़राब भी हो जाता है तो दूसरा स्विच आप इसको डिसकनेक्ट कीजिए, दूसरा स्विच लगाइए, कनेक्ट एंड प्ले वाला है। इसमें कोई ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगता है दोनों से चालू करने में। इस टोपोलॉजी में आसानी से अतिरिक्त डिवाइसेस को जोड़ा जा सकता है। इस विधि का प्रयोग नॉर्मली लैन के लिए किया जाता है, लैन का मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तीसरी जो टोपोलॉजी है वह आपका मैश टोपोलॉजी। इस प्रकार की टोपोलॉजी में प्रत्येक डिवाइस दूसरी डिवाइस से डेडिकेटेड लिंक के द्वारा जुड़ी होती है। डाटा उपकरणों को अनेक लिंक द्वारा आपस में जोड़ा जाता है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि जो एक पर्टिकुलर कंप्यूटर है नेटवर्क के दूसरे कंप्यूटर से एक अलग कम्युनिकेशन लिंक के द्वारा जुड़ा होता है। इसमें यह है कि अगर एक लिंक में अगर खराब हो जाए या प्रॉब्लम आ जाए तो डाटा संचार का आदान प्रदान अन्य लिंक से प्रारंभ हो जाता है। इससे नेटवर्क प्रभावित नहीं होता है। इस विधि में केबल की आवश्यकता अधिक होती है। इस टोपोलॉजी में प्राइवेसी और सिक्योरिटी अधिक होती है तथा फॉल्ट ढूंढना आसान होता है। इस टोपोलॉजी का हम इस्तेमाल PRS के जो 5 मेल कंप्यूटर सेंटर हैं उनको आपस में जोड़ने के लिए करते हैं। अगली टोपोलॉजी है आपका रिंग टोपोलॉजी। इस विधि में प्रत्येक डिवाइस दोनों छोर से दो डिवाइस के साथ
जुड़ी होती है जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। और इसमें सिग्नल या डाटा एक ही दिशा में बहता है। प्रत्येक पीसी का एक ट्रांसमिट एवं एक रिसीव लिंक होता है। इस विधि में फॉल्ट को आइसोलेट करना आसान है। पीसी को जोड़ने के लिए नेटवर्क को बंद करना पड़ता है। रिंग में ब्रेक या फॉल्ट आने पर पूरा नेटवर्क बंद हो जाता है। यानी कि अगर कहीं भी पूरे रिंग में अगर कहीं भी कोई केवल ब्रेक होती है कहीं भी, तो सारा का सारा आपका नेटवर्क बंद हो जाता है। ये है आपके चार मेन ये कह लीजिए बेसिक टोपोलॉजी। इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं कि हाइब्रिड टोपोलॉजी होती है। और जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, कई प्रकार के टोपोलॉजी का मिश्रण है। देखिए ये स्टार टोपोलॉजी है, फिर ये रिंग टोपोलॉजी है, और ये बस टोपोलॉजी और सभी आपस में कनेक्टेड है। तो इस प्रकार की टोपोलॉजी में कई प्रकार की टोपोलॉजी आपस में इंटरकनेक्टेड होती है। अभी ऊपर बात चली थी लैंड की, तो अगर हम नेटवर्क के प्रकार की बात करें, टाइप्स ऑफ नेटवर्क, तो ये तीन प्रकार के होते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, डाटा संचार उपकरणों की संख्या व दूरी के अनुसार निम्नलिखित प्रकार के नेटवर्क प्रयोग किए जाते हैं। पहला नेटवर्क है लोकल एरिया नेटवर्क। इस नेटवर्क में सीमित कंप्यूटर को कुछ किलोमीटर के क्षेत्र में ही आपस में जोड़ सकते हैं। लैंड का प्रयोग फाइल और प्रिंटर शेयर के लिए की जाती है। ट्रांसमिशन माध्यम एक ही तरह का होता है नॉर्मली तो, और मुख्य रूप से जो टोपोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं वो स्टार टोपोलॉजी होती है। इसमें डाटा का रेट 10 मेगाबिट पर सेकंड से 10 गीगाबिट पर सेकंड तक होता है। लोकल एरिया नेटवर्क में देखा जाए तो इसमें क्या है कि जो जियोग्राफिकल एरिया है, जो एरिया है वो लिमिटेड एरिया होता है, छोटा एरिया होता है। इसमें एक ही प्रकार के माध्यम का इस्तेमाल किया जाता है, और इसमें जो आपके जो डाटा रेट है वो सबसे ज़्यादा होता है। दूसरा जो आपका नेटवर्क है वो है आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जिसे हम मैन कहते हैं। इस नेटवर्क के द्वारा एक शहर में विभिन्न लैन के सभी कंप्यूटर को आपस में जोड़ा जा सकता है। जैसे आपका दिल्ली शहर में कोई मान लेता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कई ब्रांच है और वो सब क्या कंप्यूटराइज ब्रांच है, तो उनको अगर हम आपस में जोड़ दें तो ये क्या बन जाएगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ऐसे जो डाटा रेट है वो 5 मेगाबिट पर सेकंड से 100 मेगाबिट पर सेकंड तक हो सकता है। तीसरा टाइप जो आपका नेटवर्क है वो है वैन वाइड एरिया नेटवर्क। इस नेटवर्क द्वारा देश तथा अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर को आपस में जोड़ा जा सकता है। इसका देखा जाए तो मोटा मोटा देखा जाए तो इसका कोई जियोग्राफिकल एरिया की कोई लिमिट नहीं होती है। इससे ये बहुत बड़े एरिया को कवर करता है। इसमें कई प्रकार के टोपोलॉजी का इसमें कई प्रकार के माध्यम का हम इस्तेमाल करते हैं। इसमें स्पीड कम होती है, बाकी की अपेक्षा कम होती है। आइए थोड़ा पढ़ लेते हैं इसमें क्या लिखा है। इस नेटवर्क द्वारा देश तथा अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर को आपस में जोड़ा जाता है। यह मैन के समान ही होता है। इसे एक से अधिक लैन को आपस में जोड़कर बनाया जाता है। इसका प्रयोग अधिक दूर के लिए करते हैं। जब एक शहर से दूसरे शहर को आपस में जोड़ना हो तो वैन को हम लगाते हैं। वैन अगर देखें टेक्निकली अगर देखा जाए तो दो ही प्रकार का नेटवर्क है, एक लैन और दूसरा क्या है वैन। ये कह लीजिए जैसे वैन है, वैन में भी जो टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल करते हैं वो वैन की ही होती है। तो टेक्निकली दो ही प्रकार के हैं, तो लैन और एक वैन। अच्छा इसके अलावा क्या है, इसके विस्तार की कोई सीमा नहीं होती है। वैन के लिए विभिन्न प्रकार के ट्रांसमिशन माध्यम का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि बताया जा चुका है। इसमें डाटा रेट देखिए 256 किलोबिट पर सेकंड से 150 मेगाबिट पर सेकंड तक होता है। तो इसमें अगर बिट रेट की बात करें तो कम होता है एज़ कम्पेयर टू लैन।
आइए हम देखते हैं नेटवर्क के लिए जो रिक्वायरमेंट्स है वो क्या क्या है। नंबर एक, सबसे पहले क्या है आपका ईथरनेट निक लैंड कार्ड ट्रांसमिशन मीडिया कनेक्टर जैक्स डाटा इक्विपमेंट्स। इससे नंबर वन पे लिखा है ईथरनेट या निक या लैन, लेकिन मेरे ख्याल से सबसे पहले तो डाटा इक्विपमेंट्स होना चाहिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर्स या नोड या जो भी है, सबसे पहले रिक्वायरमेंट हुआ है हमें वो चाहिए। तो दूसरा क्या चाहिए, निक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तीसरा क्या, आपको माध्यम भी चाहिए कनेक्टर तथा जैक्स भी चाहिए चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये कुछ अलग तरीके से बना हुआ है, चलो कोई बात नहीं। निक, निक की बात करते हैं तो निक एक इलेक्ट्रॉनिक्स कार्ड है जो पीसी या वर्क स्टेशन को नेटवर्क से जोड़ने के लिए इंटरफेस की तरह काम करता है, या आप ऐसे कह लीजिए कंप्यूटर नेटवर्क में जो भी डिवाइस नेटवर्क से कनेक्ट होगी वो निक कार्ड के द्वारा ही कनेक्ट होगी, या निक कार्ड के द्वारा उस डिवाइस के अंदर नेटवर्क से कम्युनिकेशन करने की एबिलिटी या क्षमता आ जाती है। नेटवर्क के प्रत्येक पीसी वर्क स्टेशन सर्वर प्रिंटर आदि पर यह निक कार्ड लगा होता है। सिंपल सी, अगर आपके कोई भी किसी भी डिवाइस में अगर नेटवर्क से कम्युनिकेशन करना है तो निक कार्ड का होना अति आवश्यक है, क्योंकि उसी के द्वारा निक कार्ड के द्वारा ही ये नेटवर्क से कम्युनिकेशन कर पाता है। निक का जो फिजिकल, अगर हम एक जो एड्रेस है, देखिए आप पहले आपको आया था एक आईपी एड्रेस होता है जो कि 32 बिट का होता है, और एक एड्रेस होता है जिसे हम फिजिकल एड्रेस कहते हैं, जो यहाँ पे फिजिकल एड्रेस है ये आपका 6 बाइट का होता है जो उसके ऊपर लिखा होता है। किसके ऊपर लिखा होता है, निक कार्ड के ऊपर लिखा होता है। निक कार्ड में एक मेमोरी होती है रोम, उसके ऊपर ये 6 बाइट का फिजिकल एड्रेस लिखा होता है, या इसको या फिजिकल एड्रेस कह लीजिए, या फिर इसको कहते हैं मैक एड्रेस, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, जो कि निक कार्ड के रोम में लिखा होता है, रेडोलिंग मेमोरी में लिखा होता है। संपूर्ण नेटवर्क के निक को केबल टू चिप, एक्सेल केबल या फाइबर ऑप्टिक केबल के द्वारा नेटवर्क से जोड़ते हैं। कंप्यूटर नेटवर्किंग में अगर हम ट्रांसमिशन मीडिया की अगर हम बात करते हैं तो ये बंद करते हैं। तो मीडिया 2 प्रकार के हैं, देखिए वायर्ड एंड वायरलेस। वायर्ड में देखा जाता है कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड केबल और ऑप्टिक केबल आती है, जबकि वायरलेस में रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव्स का हम इस्तेमाल करते हैं। कोएक्सियल केबल में एक थिक नेट है, एक थिक नेट और थिन नेट। कोएक्सियल केबल का हम इस्तेमाल नहीं करते तो इसकी हम चर्चा नहीं करेंगे। नॉर्मली हम जो इस्तेमाल करते हैं वह है आपका ट्विस्टेड पेयर। ट्विस्टेड पेयर मतलब ट्विस्टेड पेयर भी आपके जो डाटा कम्युनिकेशन में हम इस्तेमाल करते हैं 2 प्रकार के हैं, एक यूटीपी और एक एसटीपी। यूटीपी का मतलब है अनट्विस्टेड शील्डेड अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, और एसटीपी का है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। तो जो यूटीपी केबल है, जैसे आपने सुना होगा Cat5 Cat6 केबल, तो जो Cat5 या Cat6 केबल है वो यूटीपी केबल ही होती हैं, या ये कह लीजिए यूटीपी केबल कई प्रकार की होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे Cat1, Cat2, Cat3, Cat4, Cat5 एंड Cat6। कैट का मतलब कैटेगरी, Category 1, Category 2, Category 3। जैसे जैसे कैटेगरी बढ़ती है वैसे वैसे जो डाटा रेट है जो वो आपका बढ़ता चला जाता है। नॉर्मली हम कंप्यूटर नेटवर्क में Cat5 या Cat6 का केबल का इस्तेमाल करते हैं। Cat5 केबल का जो बिट रेट है वो कितना है आपका 100 Mbps, जबकि Cat6 केबल का है 1000 Mbps या 1 Gbps।
इसके अलावा रेडियो वेव्स जो वायरलेस है आपका, रेडियो वेव्स का हम इस्तेमाल करते हैं, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड इत्यादि जो भी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। वो आप ये कोएक्सियल केबल दिखाई गई है आपके सामने। कोएक्सियल केबल की अगर हम बात करें तो सेंटर में कॉपर कंडक्टर है, उसके बाद प्लास्टिक इंसुलेशन है, फिर आपके जाली वाली तार होगी, उसके बाद फिर क्या आपका आउटर जैकेट होगा। ये देखिए डायग्राम में यूटीपी केबल दिखाई गई है। यूटीपी केबल में आपके जो केबल है इसमें चार पेयर होते हैं, चार पेयर पेयर होता है, या फिर कह लीजिए आठ तार होती है। और अगर कैट बैटरी तो आपको बताया जा चुका है, जैसे अगर कैट फाइव है तो 100 मेगाबिट पर सेकेंड, और आपकी कैट सिक्स है तो 1000 मेगाबिट पर सेकेंड। कैट फाइव केबल को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए नॉर्मली हम RJ45 कनेक्टर का हम इस्तेमाल करते हैं। RJ45 कनेक्टर में भी क्या है, आठ पिन होती है, ट्विस्टेड यूटीपी केबल है उनका। कैसे जो हम RJ45 कनेक्टर कनेक्ट करते हैं, कैसे कनेक्ट करते हैं उनका, ये सब डायग्राम में दिखाया गया। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे एक बार बताना चाहते हैं कि जो कैट फाइव या कैट सिक्स केबल है उनकी स्पीड है 100 मेगाबिट पर सेकेंड और 1000 मेगाबिट पर सेकेंड। लेकिन जो ये 100 मेगाबिट पर सेकेंड और 1000 मेगाबिट पर सेकेंड है, ये जो आपका डाटा है केवल 100 मीटर तक ही जा सकता है। 100 मीटर से अगर ज़्यादा दूर लेके जाने की कोशिश करोगे तो ये प्रॉपरली आपका डाटा ट्रांसमिट नहीं होगा। देखिए ऑप्टिकल फाइबर केबल, ऑप्टिकल फाइबर स्पीड देखिए कितनी आपकी 100 मेगाबिट पर सेकेंड है अबाउट, और इसका जो डिस्टेंस है वो क्या आपकी 100 किलोमीटर तक, आपकी इंफॉर्मेशन यानी 100 मेगाबिट पर सेकेंड के हिसाब से आप 100 किलोमीटर तक आपके अपने डाटा को भेज सकते हैं। अगले वाले आगे चित्र में कुछ विभिन्न प्रकार के जो कनेक्टर्स हैं वो दिखाए गए हैं, जैसे RJ11 कनेक्टर्स। RJ11 कनेक्टर्स का इस्तेमाल होता है डाटा कनेक्शन में, होता है तो बताना हमें, वैसे होते हैं एक जगह। RJ45 कनेक्टर, इसमें 8 पिन होते हैं, ये RJ45 कनेक्टर दिखा रखा है आपको। और इसके अलावा RS232 कनेक्टर होते हैं आपके, एक मेल है आपका, एक फीमेल कनेक्टर दिखा रखा है, इसमें 25 पिन होते हैं। इसकी जो कन्फर्मेशन दिखा रखे है ट्रांसमीटर, जो 2 नंबर है वो ट्रांसमीटर है, 3 नंबर रिसीवर हो, 7 नंबर ग्राउंड। RS232D का पिन का कन्फर्मेशन दिखा रखा है। इसके अलावा ये क्या है, 34 पिन इंटरफेस है आपका, G703 इंटरफेस, ये आपके डायग्राम में दिखाया गया। RJ11 कनेक्टर, RJ45 कनेक्टर, इसमें 8 तार होती हैं, कौन कौन सी है सब है इसमें दिखाया गया, जिसे आप नोट कर सकते हैं। अगर RJ45 कनेक्टर की बात करते हैं तो देखिए जो आपको आना चाहिए, आपको ये आना चाहिए अगर आपके पास कैट फाइव या कैट सिक्स केबल है तो आपको उससे RJ45 कनेक्टर को जोड़ने की आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपको जोड़ना आना चाहिए। और RJ कैट 5 केबल से RJ45 कनेक्टर जोड़ने के लिए हम एक टूल का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम क्रिम्पिंग टूल कहते हैं। तो एज ए TCM आपको क्रिम्पिंग टूल की जानकारी होनी चाहिए, आप इसके जो कलर कोड है, कौन सी तार पहले आई, कौन सी दूसरी, ये सब जानकारी होनी अति आवश्यक है, ये आपको आना चाहिए। अब देखिए डाटा डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, डाटा डॉक्यूमेंट्स, डाटा कनेक्शन का देख लेके, जो हम इक्विपमेंट्स जो नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं कौन कौन से, देखिए एक मॉडम हम इस्तेमाल करते हैं, मॉडम का पूरा नाम है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर।
एनालॉग सिग्नल से डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है। जैसे आपका जी 703 है, आपका FB35 मॉडम है, ठीक है, ये हम लोग में इस्तेमाल करते हैं। स्टार्ट मक्स या एक या अधिक नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने या एक्सटेंशन करने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। राउटर है, यह एक या अधिक नेटवर्क को कनेक्ट करने, डिस्ट्रीब्यूट करने तथा एक्सटेंशन करने के लिए उपयोग किया जाता है। हब या स्विच से लोकल या नेटवर्क में हम इस्तेमाल करते हैं। किसी नेटवर्क को टर्मिनलों तक डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। टर्मिनल सर्वर की अगर हम बात करें तो नॉर्मली इसका इस्तेमाल आपका PRS में होता है, आपका स्टेट मक्स का भी आपका PRS वगैरह में होता है इस्तेमाल। किसी भी नेटवर्क को नियर एंड पर टर्मिनलों तक डिस्ट्रीब्यूट करने और फार एंड पर एक्सटेंशन करने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। लैंड एक्सटेंडर है, किसी भी नेटवर्क को फार एंड टर्मिनलों तक एक्सटेंशन करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में हम आगे की जानकारी देंगे। धन्यवाद।